सर सलामकुम सर, ये बड़ा लंबा एड्रेस था, ये स्टार्टेड एट अबाउट 11:10 एंड फिनिश्ड एट 1:40, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था। उसने सबसे पहले तो लंबी कहानी है, उसने पूरी तरह उसने कहा कि आई नो व्हाई यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी एंड यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, आप लोग इंटरेस्ट हैं, आपका इंटरेस्ट है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आर्मी का रोल। उसने पहले तो बताया कि किस तरह इमरान खान आया, इमरान खान की टीम वीक थी, मैं उसको जिस तरह एक बच्चे को साथ देख चलता है इस तरह चलता रहा, कोई ऐसा पॉइंट नुकता वक्त नहीं था जब हम इसके साथ हमने कोऑपरेट नहीं किया, बाहर से जितने पैसे आए मुख्तलिफ मुल्क से वो भी मैं ही जाके लाता रहा साथ, तो पहले वो ओके कराते थे, उसके बाद ये मतलब ब्याज प्राइम मिनिस्टर से करवा लेते थे, तो इसको जो था इसके जो साथी थे वो इसको इसका साथ छोड़ते जा रहे थे पहले से, लास्ट ईयर से जब इसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको दिलाया था, वरना उस वक्त ही इसने फारग हो जाना था। तो ये अपने जो MNAs हैं उनको मिलता नहीं है, जो चंद एक लोग हैं हमारी इसके जो चमचे हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं और किसी और को करीब आने ही नहीं देते, ये उन्हीं की सुनता है ज्यादातर। इस तरह पंजाब गवर्नमेंट में इसने जो बुजदार को रखा हुआ था उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें थी, मैंने भी इसको बताया कि ये तुम जो है ना अपने 22 साल की मेहनत जो है इसमें जाया ना करो, सारा कुछ जाया हो जाएगा, इसको चेंज कर दो। उस पर एग्री भी हो गया, उसने कहा मेरे साथ कहा चलो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, मैंने अलीम खान को बता दिया कि तुम आ जाओ कल हम तुम्हारी बात करते हैं। दूसरे दिन जब हम अलीम खान पिंडी पहुंच गया तो जब हमने बात की उस तो वो चौधरी फाल कहता नहीं जी नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देखेंगे, ये अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता, और वहां पे मतलब इस तरह इसने लेट डाउन भी किया। इसी तरह मुख्तलिफ जो और अकुजन थे उसमें ये जो MQM वाले थे वो भी यही कहते थे कि ये जो है अपना हम तो आपकी खातर इनके साथ हैं वरना ये हमारी भी बात नहीं सुनता, तो इसी तरह ये अपनी पोजीशन खराब करता चला गया और हालात इसके खराब होना शुरू हो गए। इस तरह जो बाद में रशिया वाला मामला आ गया उसमें अगरचे हमसे पूछ के गया था लेकिन बाद में इसने जो पॉलिसी बनाई जो एंटी स्टेट अमेरिका के खिलाफ उसने नारेबाजी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने इसको समझाया यार हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, काफी सारे काम चलाने होते हैं, तो तुम जो करना है जो मर्जी करो लेकिन बोलो मत, शोर मत करो, उनको सामने चैलेंज मत करो, तो जो तुमने करना है अपनी मर्जी करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन इस तरह की बात ना करो कि वो बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तो उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया। फिर जनरल फैज हमीद को जब प्रमोट करना था तो मैंने उसको कहा भाई इसको मैंने आगे रखना है चीफ के लिए भी एज ए ऑप्शन, तो उसके लिए जरूरी है कि ACR ले कोर कमांडर एज ए कोर कमांडर, तो मैं इसको उधर पोस्ट करना चाहता हूँ। तो इसने ये किया कि इसने कहा कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दें, 6 महीने गुजर गए, उसके बाद फिर मैं इसके पास किया कि भाई इसको मैं अभी पोस्ट आउट करने लगा हूं, तो इसने कहा नहीं नहीं अभी रहने दें ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा और टाइम दें हमें चलने दें इसको, तो थोड़ा सा मैं भी टेंशन में आया, ये भी टेंशन में आया, तो मैं वापस आ गया। तो वापस आया तो शाम को फिर MS का फोन आ गया इसका, मेरे MS को, कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी करें इसको पोस्ट आउट कर दें, तो फिर मैंने पोस्टिंग कर दी, तो दूसरे दिन इसने बयान दे दिया मेरे खिलाफ। तो इस तरह करके ना ये चीजें ऐसे डेवलप होने शुरू कर दी। जो ज्यादातर ये होता था कि हम कुछ भी नहीं रोल बाज का प्ले करते थे तो बदनामी हमारी हो जाती, तो मैंने ये फैसला किया कि जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं स्टे न्यूट्रल, हम आप कोई रोल अदा नहीं करेंगे, अपनी अपनी खुद ही जंग लड़ो, तो दिस इज इट स्टार्टेड ऑफ और ये आगे सिलसिला चला, और अब आपने देख लिया है कि ये जो है खुद ही पंजाब असेंबली में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ये आपके सामने है, तो इस पे अभी इसमें हमने कोई डेलिबरेटली इसको रिमूव नहीं करवाया, ये जो रिमूव हुआ है ये थ्रू कोर्ट हुआ है और वो जेन्युइन हुआ है, ये इसने कहा चीफ ने। उसके बाद कुछ और क्वेरीज थी जो दाएं बाएं से क्वेश्चन आंसर आए कि जी ये तो फिर बड़ा पॉपुलर हो गया, उसको यस पहले 7% पे इसकी पॉपुलरिटी थी, अब 27 हो गई है चंद हफ्तों में, तो अभी मेरे साथ हर दूसरे दिन खुद बात करता है, तो मैं उसको कह रहा हूं कि मेहनत करो इंशाल्लाह तुम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनोगे, हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो मेजोरिटी लेके आओ। तो उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि अगर राइट्स हो गया तो फिर क्या होगा, उसने कहा फिर आर्मी शैल प्ले इट्स रोल, हम मार्शल आ नहीं लगाएंगे लेकिन आई विल अरेस्ट ऑल ऑफ देम एंड आस्क द सुप्रीम कोर्ट
कि आप वर्डिक्ट दें और इसको इलेक्शन और रिलेक्शन करा दें। ये एक ब्रीफ था जो हुआ सर। सर सलाम अलैकुम। सर ये बड़ा लंबा एड्रेस था, ही स्टार्टेड एट अबाउट 11:10 एंड फिनिश्ड एट 1:40। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था। उसने सबसे पहले तो लंबी कहानी है, उसने पूरी तरह उसने कहा कि आई नो व्हाई यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी एंड यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट। आप लोग इंटरेस्ट हैं, आपका इंटरेस्ट है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आर्मी का रोल। उसने पहले तो बताया कि किस तरह इमरान खान आया, इमरान खान की टीम वीक थी, मैं उसको जिस तरह एक बच्चे को साथ देख चलता है इस तरह चलता रहा। कोई ऐसा पॉइंट नुक्ता वक्त नहीं था जब हम इसके साथ हमने कोऑपरेट नहीं किया। बाहर से जितने पैसे है मुख्तलिफ मुल्कों से वो भी मैं ही जाके लाता रहा साथ। तो पहले वो ओके कराते थे, उसके बाद ये मतलब ब्याज प्राइम मिनिस्टर से करवा लेते थे। तो इसको जो था इसके जो साथी थे वो इसको इसका साथ छोड़ते जा रहे थे पहले से, लास्ट ईयर से जब इसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था। तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको दिलाया था, वरना उस वक्त ही इसने फारग हो जाना था। तो ये अपने जो MNAs हैं उनको मिलता नहीं है। जो चंद एक लोग हैं हमारी इसके जो चमचे हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं और किसी और को करीब आने ही नहीं देते, ये उन्हीं की सुनता है ज्यादातर। इस तरह पंजाब गवर्नमेंट में इसने जो बुजदार को रखा हुआ था उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें थी। मैंने भी इसको बताया कि ये तुम जो है ना अपने 22 साल की मेहनत जो है इस पर जाया ना करो, सारा कुछ जाया हो जाएगा, इसको चेंज कर दो। उस पर एग्री भी हो गया, उसने कहा मेरे साथ कहा चलो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने अलीम खान को बता दिया कि तुम आ जाओ कल हम तुम्हारी बात करते हैं। दूसरे दिन जब हम अलीम खान पिंडी पहुंच गया तो जब हमने बात की उस तो वो चौधरी फाल कहता नहीं जी नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देखेंगे, ये अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और वहां पे मतलब इस तरह इसने लेट डाउन भी किया। इसी तरह मुख्तलिफ जो और अकुजन थे उसमें ये जो MQM वाले थे वो भी यही कहते थे कि ये जो है अपना हम तो आपकी खातर इनके साथ हैं वरना ये हमारी भी बात नहीं सुनता। तो इसी तरह ये अपनी पोजीशन खराब करता चला गया और हालात इसके खराब होना शुरू हो गए। इस तरह जो बाद में रशिया वाला मामला आ गया उसमें अगर ये हमसे पूछ के गया था, लेकिन बाद में इसने जो पॉलिसी बनाई जो एंटी स्टेट अमेरिका के खिलाफ इसने नारेबाजी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने इसको समझाया यार हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, काफी सारे काम चलाने होते हैं, तो तुम जो करना है जो मर्जी करो लेकिन बोलो मत, शोर मत करो, उनको सामने चैलेंज मत करो। तो जो तुमने करना है अपनी मर्जी करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन इस तरह की बात ना करो कि वो बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तो उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया। फिर जनरल फैज हमीद को जब प्रमोट करना था तो मैंने उसको कहा भाई इसको मैंने आगे रखना है चीफ के लिए भी एज ए ऑप्शन, तो उसके लिए जरूरी है कि ACR ले कोर कमांडर एज ए कोर कमांडर, तो मैं इसको उधर पोस्ट करना चाहता हूँ। तो इसने ये किया कि इसने कहा कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दें, 6 महीने गुजर गए। उसके बाद फिर मैं इसके पास किया कि भाई इसको मैं अभी पोस्ट आउट करने लगा हूं, तो इसने कहा नहीं नहीं अभी रहने दें, ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा और टाइम दें हमें, चलने दें इसको। तो थोड़ा सा मैं भी टेंशन में आया, ये भी टेंशन में, तो मैं वापस आ गया। तो वापस आया तो शाम को फिर MS का फोन आ गया इसका, मेरे MS को, कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी करें इसको पोस्ट आउट कर दें। तो फिर मैंने पोस्टिंग कर दी, तो दूसरे दिन इसने बयान दे दिया मेरे खिलाफ। तो इस तरह करके ना ये चीजें ऐसे डेवलप होने शुरू कर दी। जो ज्यादातर ये होता था कि हम कुछ भी नहीं रोल बाज का प्ले करते थे तो बदनामी हमारी हो जाती। तो मैंने ये फैसला किया कि जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं, स्टे न्यूट्रल, हम आप कोई रोल अदा नहीं करेंगे, अपनी अपनी खुद ही जंग लड़ो। तो दिस इज इट स्टार्टेड ऑफ और ये आगे सिलसिला चला। और अब आपने देख लिया है कि ये जो है खुद ही पंजाब असेंबली में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ये आपके सामने है। तो इस पे अभी इसमें हमने कोई डेलिबरेटली इसको रिमूव नहीं करवाया, ये जो रिमूव हुआ है ये थ्रू कोर्ट हुआ है और वो जेन्युइन हुआ है, ये इसने कहा चीफ ने। उसके बाद कुछ और क्वेरीज थी जो दाएं बाएं से क्वेश्चन आंसर आए कि जी ये तो फिर बड़ा पॉपुलर हो गया। उसके यस, पहले 7% पे इसकी पॉपुलरिटी थी, अब 27 हो गई है चंद हफ्तों में। तो अभी मेरे साथ हर दूसरे दिन खुद बात करता है, तो मैं उसको कह रहा हूं कि मेहनत करो, इंशाल्लाह तुम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनोगे, हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो मेजोरिटी लेके आओ। तो उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि अगर राइट्स हो गया तो फिर क्या होगा, उसने कहा फिर आर्मी शैल प्ले इट्स रोल।
हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, लेकिन आई विल अरेस्ट ऑल ऑफ देम एंड आस्क द सुप्रीम कोर्ट कि आप वर्डिक्ट दें और इसको इलेक्शन अर्ली इलेक्शन करा दें। ये एक ब्रीफ था जो हुआ सर। वेलकम टू सर्च एक्सप्रेस न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।